प्रदेश में सियासी संग्राम अपने पूरे परवान पर इस बार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान होटल फेयरमाउंट के बाहर मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि हमारे विधायकों को प्रलोभन देने के लिए कई चरणों में काम हुआ। यदि हम समय रहते नहीं चेतते तो 23 मार्च को ही खरीद फरोख्त का घटनाक्रम हो जाता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इतिहास में पहली दफा हुआ है कि कोई पार्टी अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक गिरिराज मलिंगा ने जो आरोप लगाए उसी प्रकार के कई विधायक और भी आपको मिल जाएंगे जिन्हें प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। साथ ही में यह भी कहा कि हमने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखा है, न्याय अवश्य होगा। पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे तो कहा गया कि आप हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी को, आप इस्तीफा देंगे आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे। और अलायंस गवर्नमेंट बनेगी बिहार की तरफ कर लेंगे। जो एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो सर आप तो कि आप 32 साल 34 साल 35 साल 36 साल में आप प्रदेश का अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए, ऐसा बहुत कम होता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा है पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राज्य की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी झगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो, हमने क्वेश्चन नहीं किया। पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर हम जानते थे कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। वो व्यक्ति कांग्रेस के पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए, ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता, 19 को चुनाव थे लोकसभा के, 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा, कुछ लोग वहाँ से जाएंगे सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पेंसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया, उस पर 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब फाइल देखे तभी बॉम्बे का कॉरपोरेट हाउस जो है, बॉम्बे के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC का बने, स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोल रहे लंदन से, कौन है वकील? वो हरीश सालवे जी लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है?
एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है, वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेते थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पाले साहब ये से दे रहे पैसा? इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपन करने का। उस पर कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए, खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही देश के अंदर, चाहे वो आपके CBI, इनकम टैक्स, ED हो, ऐसा इतिहास में शिक्षा में कभी नहीं हुआ जब जा के देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीतिज्ञ की होती है तो उनकी भी होती है। सर आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पूनिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस जी के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं खंडन करें, हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने झूठ बोलने झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिपके जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे, हमारी सब जो पैराफेरनेलिया है पुलिस का सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके रहने झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही सबको मालूम है, किस प्रकार उनको रखा गया है सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो हैं बंद हैं, उनको बंधक बना दिया, उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं, कोई कि मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया।